तेज दौड़ने वाले। यह है बिहार म्यूजियम जो कि पटना में स्थित है और बिहार का सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। बिल्डिंग तो बाहर से देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी आकर्षक भी है, तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं। टिकट का प्राइस है अभी शायद 100 रुपये है, मैं दिखाता हूँ आपको, बोर्ड पर लिखा हुआ भी है, और अभी 100 रुपये है। और अगर आप लोग शाम के साथ 7 बजे के आसपास आते हैं तो 50 रुपये का टिकट है, और हम लोगों के लिए तो 100 रुपये है, लेकिन विदेशी लोगों के लिए तो यहाँ पर 500 रुपये टिकट प्राइस है। और अगर आप लोग शाम के 5 से 7 तक घूमते हैं अगर इस म्यूजियम में तो मात्र 50 रुपये लगेगा। मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ और अभी मैं टिकट लिया नहीं हूँ, बाहर टिकट का कोई था नहीं, यहाँ अंदर टिकट वाला है, तो चलिए टिकट लेते हैं फिर अंदर जाते हैं, देखते हैं एंट्री का क्या सिस्टम है। पहले तो आप लोग ये बिल्डिंग को देख लीजिए। और एक चीज़ मुझे अभी पता चला, जैसे कि जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज स्टूडेंट है वो लोग अपना अगर आई कार्ड दिखाते हैं तो उनको 50 रुपये का टिकट लगता है, पता नहीं ऐसा है भी या नहीं, लेकिन लिखा हुआ था, मैंने नोटिस किया ही नहीं। ये देख लीजिए, मैंने टिकट ले लिया है, 100 रुपये का टिकट मिला है, और वहाँ सामने है एंट्री गेट, एकदम दिल्ली मेट्रो वाला फील आता है। स्कैन कीजिए, उसके बाद से दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जाता है। और एक चीज़ आप लोग अगर आना हो तो देख लीजिएगा, यहाँ पर जो प्लास्टिक वाला पानी का बोतल है वो नहीं आने देते हैं, बाहर ही रखवा लेते हैं। आप चाहे तो निकलते वक्त ले सकते हैं लेकिन वो आने नहीं देते हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पर कुछ तो बना हुआ है, काफ़ी यूनिक है। और मैं अभी म्यूजियम के दाएँ साइड में आया हूँ, म्यूजियम बाएँ साइड में भी बहुत बड़ा है, मैं पता करके ही आया हूँ कि ये म्यूजियम बहुत बड़ा है। मैं सबके बारे में क्या किसी के बारे में शायद नहीं बता पाऊँगा क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है और ये म्यूजियम है काफ़ी बड़ा। अगर मैं सबके बारे में पढ़ पढ़ कर बताने लगूँ तो लगभग वीडियो 2-3 घंटे की ही हो जाएगी, और मुझको जल्दी से बनाकर निकलना भी है। और एक चीज़ और, जैसे ही आप लोग गेट से एंटर कर लेंगे, बैग तो स्कैन होता ही है, तो वहाँ पर एक बैग काउंटर है जहाँ पर आपको अपना बैग जमा करना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ोटो खींचना मना है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है इस म्यूजियम में, जैसे कि ये घोड़ा है इसके नीचे स्पीकर लगा हुआ है और एक LED भी लगा। कम वक्त भेड़ बकरियां अगर बीच में ना आती ना तो मुझे सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े का खिताब मिल जाता। मैं पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास भी टाइम बहुत कम है, पूरा दिन निकल जाएगा अगर पढ़ना शुरू कर दूँ तो। मतलब आप लोग शॉर्ट में बता दूँ कि ये किसी हिस्ट्री को बता रहा है, जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था। ये जो म्यूजियम है यहाँ पर कमरा वाइज जैसे बहुत सारा सामान रखा गया है, और वहाँ पर LED भी है, उसको टच कीजिएगा तो आप लोग को इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ये म्यूजियम जो है वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, अभी तो मैंने ठीक से शुरू भी नहीं किया है। और एक चीज़ बहुत ही चीज़ नोटिस करने वाली है, आप लोग एक जगह से जैसे ही दूसरी जगह जाते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तुरंत आकर वहाँ पर साफ़ सफाई हो जाती है। म्यूजियम बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, और अगर आपके पास अगर 3-4 घंटे नहीं है ना तो आप लोग इस म्यूजियम में ना आइए, क्योंकि आप लोग ठीक से घूम ही नहीं पाइएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर पढ़ना उसके बारे में शुरू कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाली है। और अंदर आने के बाद आप लोग को बहुत ही ज़्यादा साफ़ वॉशरूम है, और एक दो नहीं बहुत ज़्यादा है, हर जगह जगह पर है, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा। यहाँ पर कैंटीन भी है, तो आप लोग पूरा समय निकाल कर आइएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका। यहाँ पर 100 रुपये पूरा वसूल है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, और वैसे भी ये लोग मुझे प्रमोशन के लिए पैसा क्यों देंगे। बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सामान है। एक चीज़ और है इस म्यूजियम का जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, अगर आप लोग आइएगा ना, जैसे मैंने बताया था कि ये जो म्यूजियम है वो कमरा वाइज है, एक कमरे में बहुत सारा सामान है, जैसे ये कैटेगरी में शायद इन लोगों ने बांटा हुआ है। तो अगर आप लोग आइएगा तो वैसे तो रूम में ऐसे पूरा अंधेरा रहता है, थोड़ा सा लाइट रहती है, और जैसे जैसे आप लोग कदम बढ़ाते हैं जिस मूर्ति या फिर जो भी चीज़ है उसके पास जाते हैं तो जो लाइट है वो जलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए किसी रूम में आप एंटर किए और पहला कदम रखे तो थोड़ी सी लाइट जलेगी, जो जो आप लोग आगे बढ़िएगा लाइट जलती जाती है, और जिस मूर्ति या फिर जो सामान रखा है वहाँ पर देखना शुरू कीजिएगा तो धीरे धीरे लाइट वहाँ पर जलनी शुरू हो जाती है, और काफ़ी अच्छा, मतलब ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस देती है, काफ़ी अच्छा फील होता है, पूरा सेंसर लगा हुआ है। ये जो लाइट जलने वाली है वो शायद आप लोग अभी तक वीडियो में नहीं देख पाए होंगे, क्योंकि मुझसे पहले किस कोई कमरे में आ जा रहा है।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजियम में जो सामान है वही बहुत ज़्यादा यूनिक है, यहाँ का जो बिल्डिंग है, आर्किटेक्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ, वहाँ भी बहुत सारे सामान है। आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा बनाया गया है, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो जो लाइट के बारे में मैं बता रहा था ना, इस कमरे में कोई आया नहीं है। आप लोग गौर कीजिएगा लाइट कितना अच्छा से यहाँ पर जलेगी, जैसे जैसे मैं पैर रखूँगा आगे वैसे वैसे यहाँ की लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और भी बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले ये लाइट वाला नोटिस कीजिए आप लोग, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। अभी यहाँ पर कोई साफ सफाई कर रहा था तो थोड़ी बहुत लाइट जल रही थी। वो जो लास्ट वाला मूर्ति देखिए, वहाँ पर अंधेरा है, मैं आपको जाकर दिखाऊंगा, जैसे मैं वहाँ पर जाऊंगा लाइट वहाँ की जलनी शुरू हो जाएगी। मैंने लाइट तो आप लोग को दिखा दिया, और आप लोग ये मत बोलिएगा कि ये कौन सा नई टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं थी, ये मैं बता रहा था कि यहाँ पर है। और एक और चीज़ देखिए आप लोग, जहाँ जहाँ मूर्ति है उसके ऊपर ये कटोरा जैसा कुछ लगा हुआ है, पता है इसमें सेंसर है और इसमें स्पीकर है। जैसे ही आप किसी मूर्ति के नीचे खड़ा होते हैं ना, तो वैसे ही इसके बारे में बतानी शुरू हो जाती है, जैसे ऊपर स्पीकर है। और ये स्पीकर की खास बात ये है कि वो जो बोलता है उसके नीचे सिर्फ सुनाई देता है और बहुत साफ सुनाई देता है। अगल बगल जाइएगा तो ये स्पीकर की आवाज़ नहीं जाती है, ताकि मतलब अगल बगल के लोगों को डिस्टर्ब ना हो, काफ़ी शांति रहता है यहाँ पर। अब ये क्या है, तो जैसा कुछ दिख रहा है, अच्छा से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और यहाँ पर LED तो लगा हुआ है जिसमें इसके बारे में बता रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बड़ा सा प्रोजेक्टर जैसा बनाया गया है, वहाँ भी बहुत अच्छा कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले हो ही रहा है। और इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में अगर जानने बैठिएगा आप, तो कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगेगा ही। और यहाँ पर लगभग हज़ारों की संख्या में, हज़ारों से भी ज़्यादा है, तो कितना आप लोग टाइम ले सकते हैं, तो मैं जितना हो सकता है आप लोगों को दिखाता हूँ, बताया तो मैं किसी के बारे में नहीं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। जितना हो सकता था मैंने आप लोग को दिखाने का कोशिश किया शॉर्ट में, ताकि आप लोग को अंदाज़ा लग सके। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो कर लेना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब।